तो बड़ी खबर हम आपको बता दें कि गोंडा रेल हादसे में जो अपडेट मिल रही है, एक यात्री की मौत की खबर आ रही है। यही जानकारी भी मैं हासिल भी करना चाह रहा था, इस पर अब अपडेट मिलने लगा है। एक यात्री के मौत की खबर मिल रही है। एसी के चार कोच पलटे और हादसे में कई यात्रियों के घायल होने की खबर थी। जिलाही रेलवे स्टेशन के पास ये हादसा हुआ है। हमारे संवाददाता अविनाश सिंह फोन लाइन पर मौजूद है। अविनाश, रेस्क्यू ऑपरेशन के बारे में तो अपडेट पंकज जी ने दे दिया, लेकिन फिलहाल अभी एक कैजुअलिटी की भी सूचना मिल रही है, और क्या जानकारी है? जी बिल्कुल, देखिए अभी रेल प्रशासन की तरफ से या रेल मिनिस्ट्री की तरफ से अभी कोई आधिकारिक आंकड़ा जारी नहीं किया गया है, लेकिन एक व्यक्ति के मरने की खबर। देखिए ताजा अपडेट आपको बता दूं कि देखा जाए तो अभी थोड़ी देर पहले ही ये हादसा हुआ है, और जो एसडीआरएफ की जो टीमें हैं उनको भी रवाना कर दिया गया है। जो लोग हैं एसडीआरएफ के वहां पर पहुंच ही गए हैं, लेकिन दो और टीमों को रवाना किया गया है लखनऊ से, ताकि जो वहां पर राहत का काम है, जो बचाव का काम है, क्योंकि देखिए गोंडा की दूरी लखनऊ से बहुत ज्यादा नहीं है, इसी से दो सवा दो घंटे में जो टीमें होंगी, क्योंकि उनको पहले ही यहाँ से भेज दिया गया था, तो दो घंटे के अंदर ये टीमें पर मौके आधार पर पहुंच जाएंगे। उसके बाद जो राहत का काम है, क्योंकि जो जिला प्रशासन के लोग हैं और पहले से राहत में लगे हुए हैं, और जो भी आसपास के जिले हैं, चाहे हम गोंडा की बात करें, बलरामपुर, बहराइच या फिर अयोध्या बस्ती की बात करें, तो इन सभी जिलों के जो पीएससी तक के जो हॉस्पिटल होते हैं, इन अस्पतालों को भी अलर्ट पर रहने के लिए बोला गया है कि अगर स्थिति गंभीर होती है तो स्थिति को किस तरीके से संभाला जाए। हालांकि सरकार ने जिनको मेजर इंजरी हुई है, लेकिन जो बहुत ही गंभीर रूप से घायल है, उनका उपचार लखनऊ में किया जाएगा फौरन, क्योंकि कई एम्बुलेंस जो गाड़ियां हैं उनको भी वहां पर